हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशन और आप सभी का हमारे अपने रोशन टेक्स हिंदी में बहुत ही बढ़िया स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में बात करने वाले हैं, जो अंडर 1500 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। इन ब्लूटूथ स्पीकर में आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलने वाली है और बेस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। अगर आपको अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए तो दोस्तों वो भी आपको इन ब्लूटूथ स्पीकर में देखने को मिलने वाला है। अगर आपको 12 to 14 hours की बैटरी बैकअप चाहिए या 24 hours तक की बैटरी बैकअप चाहिए तो दोस्तों वो भी आपको इन ब्लूटूथ स्पीकर में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये ब्लूटूथ स्पीकर बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छे है। इन ब्लूटूथ स्पीकर में आपको काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अभी बिना किसी टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट में जो पहला ब्लूटूथ स्पीकर है उसका नाम है मीवी प्ले 5 वॉट पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 5 वॉट RMS का टोटल पावर आउटपुट देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 1000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इस ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको 0 से लेकर 100% जो चार्जिंग है वो 2 hours में कंप्लीट होती है, और उसके बाद यहाँ पे आपको 12 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको ब्लूटूथ का वर्जन 5 देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको IPX4 की सर्टिफिकेशन देखने को मिलती है। यानी दोस्तों, ये ब्लूटूथ स्पीकर IPX4 सर्टिफाइड है, स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस क्वालिटी सुनने को मिलने वाली है। अगर आप बेस लवर हो तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस क्वालिटी सुनने को मिलेगी, और दोस्तों जो साउंड क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी अच्छी सुनने को मिलने वाली है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 1 year की वारंटी देखने को मिलती है। अगर हम इस ब्लूटूथ स्पीकर के प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको फ्लिपकार्ट पे 799 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। हमारे लिस्ट में जो अगला ब्लूटूथ स्पीकर है उसका नाम है बोट स्टोन ग्रेनेड 5 वॉट पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 5 वॉट RMS का टोटल पावर आउटपुट देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 1200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इस ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज करने के लिए 2 hours का टाइम लगता है, और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको 7 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको ब्लूटूथ का वर्जन 4.2 देखने को मिलता है, और दोस्तों ये ब्लूटूथ स्पीकर IPX6 सर्टिफाइड है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलता है और ऑक्स का भी पोर्ट देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज करने के लिए माइक्रो USB का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर हम इस ब्लूटूथ स्पीकर के डिजाइन और बिल्ड की बात करते हैं तो दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर का जो डिजाइन है वो कम्प्लीटली रगेड टाइप है। यानी दोस्तों, रगेड डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और दोस्तों जो बिल्ड है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। यानी दोस्तों, सॉलिड बिल्ड के साथ ये ब्लूटूथ स्पीकर हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस ब्लूटूथ स्पीकर के मेन फीचर की बात करते हैं तो दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको काफी स्ट्रॉन्ग बेस सुनने को मिलने वाली है। अगर आप बेस लवर हो तो दोस्तों डेफिनेटली इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको काफी स्ट्रॉन्ग बेस सुनने को मिलने वाली है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 1 year की वारंटी देखने को मिलती है। अगर हम इस ब्लूटूथ स्पीकर के प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर का प्राइस है 1500 rupees। यानी दोस्तों, ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको फ्लिपकार्ट पे 1499 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। हमारे लिस्ट में जो अगला ब्लूटूथ स्पीकर है उसका नाम है बोट स्टोन 300 5 वॉट पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 5 वॉट RMS का टोटल पावर आउटपुट देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 1500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इस ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज करने के लिए 3 hours का टाइम लगता है, और उसके बाद यहाँ पे आपको 6 hours का म्यूजिक प्ले टाइम देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको ब्लूटूथ का वर्जन 5 देखने को मिलता है। ये ब्लूटूथ स्पीकर IPX7 सर्टिफाइड है।
अगर हम इस ब्लूटूथ स्पीकर के पोर्ट एंड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको ऑक्स का पोर्ट देखने को मिलता है, माइक्रो एसबी का भी पोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम इस ब्लूटूथ स्पीकर के डिज़ाइन और बिल्ड की बात करते हैं तो दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर का डिज़ाइन काफ़ी रगेड है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे बिल्ड की बात करते हैं तो दोस्तों ये ब्लूटूथ स्पीकर कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड से बना हुआ है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर हम इस ब्लूटूथ स्पीकर के प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर का प्राइस है 1,299 के प्राइस रेंज में ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाता है। हमारे लिस्ट में जो अगला ब्लूटूथ स्पीकर है उसका नाम है पोर्ट्रॉनिक्स डायनेमो 5 वॉट ब्लूटूथ स्पीकर। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 5 वॉट आरएमएस का टोटल पावर आउटपुट देखने को मिलता है। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 2000 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 4 आवर का टाइम लगता है और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको 24 आवर तक का म्यूजिक प्ले टाइम देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको ब्लूटूथ का वर्जन 5 देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको इनबिल्ट एफएम का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको माइक्रो एसबी का स्लॉट देखने को मिलता है। अगर हम इस ब्लूटूथ स्पीकर के डिजाइन और बिल्ड की बात करते हैं तो दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर का डिजाइन काफी सिंपल है। और दोस्तों अगर हम बिल्ड की बात करते हैं तो दोस्तों ये ब्लूटूथ स्पीकर कम्प्लीटली प्लास्टिक से बना हुआ है, बट दोस्तों यहाँ पे जो स्पीकर ग्रिल है वो कम्प्लीटली मेटल की देखने को मिलती है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। अगर हम इस ब्लूटूथ स्पीकर के प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर का प्राइस है 1049। ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाता है। हमारे लिस्ट में जो अगला ब्लूटूथ स्पीकर है उसका नाम है मीवी रोम 2 5 वॉट पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 5 वॉट आरएमएस का टोटल पावर आउटपुट देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 2000 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 4 आवर का टाइम लगता है और उसके बाद यहाँ पे आपको 24 आवर तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको ब्लूटूथ का वर्जन 5 देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको बिल्ट इन माइक का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको ऑक्स का पोर्ट देखने को मिलता है और माइक्रो यूएसबी का भी स्लॉट देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर को चार्ज करने के लिए माइक्रो यूएसबी का स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये ब्लूटूथ स्पीकर IPX7 सर्टिफाइड है। अगर हम डिजाइन और बिल्ड की बात करते हैं तो दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको प्रीमियम बिल्ट देखने को मिलता है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया हुआ है और दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड देखने को मिलती है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको एक्सेलेंट साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है और दोस्तों बेस क्वालिटी भी काफ़ी एक्सेलेंट सुनने को मिलती है। इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। अगर हम इस ब्लूटूथ स्पीकर के प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको फ्लिपकार्ट पे 1000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। ये थे हमारे लिस्ट के 5 बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर। तो दोस्तों इन ब्लूटूथ स्पीकर में आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है और बेस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी सुनने को मिलती है। अगर आपको अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए तो दोस्तों वो भी आपको इन ब्लूटूथ स्पीकर में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इन ब्लूटूथ स्पीकर में आपको ऑलमोस्ट 12-14 आवर तक का एवरेज बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। और दोस्तों मीवी का जो रोम 2 ब्लूटूथ स्पीकर है उसमें आपको 24 आवर तक का म्यूजिक प्ले टाइम देखने को मिलता है। तो दोस्तों इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि इन ब्लूटूथ स्पीकर में आपको कितना बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिलता है और इन ब्लूटूथ स्पीकर में आपको कितने बढ़िया साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है और कितने बढ़िया फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि ये ब्लूटूथ स्पीकर कितने वैल्यू फॉर मनी है। आपके चॉइस के हिसाब से आपको इनमें से किसी भी एक ब्लूटूथ स्पीकर को बाय करना है। अगर आपने बाय करने का प्लान किया है तो दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो दोस्तों वहाँ पे जाके आप इन ब्लूटूथ स्पीकर को बाय कर सकते हो। अगर आपको अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए तो दोस्तों आप मीवी का रोम 2 बाय कर सकते हो। अगर आपको एक्सेलेंट साउंड क्वालिटी चाहिए, एक्सेलेंट बेस चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए आपको बोट स्टोन ग्रेनेड
बाय करना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको काफ़ी एक्सेलेंट बेस सुनने को मिलती है और दोस्तों जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी लाउड सुनने को मिलती है। तो दोस्तों ये सब कुछ आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपको अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए या अच्छा साउंड क्वालिटी चाहिए, वो सब कुछ आप पर डिपेंड रहता है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह हमारी वीडियो काफ़ी बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। ओके तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।